देख सकते हैं भाई हमारे ऊपर आदमी ही आदमी है भाई, बैठ किस तरह वीडियो बना रहे हैं। तगड़ा वाला भाई भीड़ है, जाने बिल्कुल भी आई मन नहीं अंदर, मैं जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक जाएंगे। हे गाइस गुड इवनिंग, आप फिर से नए ब्लॉग में स्वागत। तो गाइस सभी का सीन कुछ है, सभी शाम के बज चुके हैं 5:35, अभी हम आ चुके हैं रायबरेली जंक्शन और आज हम जाने वाले हैं न्यू दिल्ली, रायबरेली टू न्यू दिल्ली। घर पे वीडियो नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि लोग सब लोग रेडी हो चुके थे। अभी हम आ चुके हैं रायबरेली जंक्शन, अभी आने वाली काशी विश्वनाथ प्रतापगढ़ से चलती है बनके, ट्रेन नंबर है 15127। अभी कुछ टाइम में आने वाली है प्लेटफॉर्म एक पे, तो आज हम चालू डब्बे में जाने वाले हैं यानी कि जनरल में जाने वाले हैं। लाइफ में पहली बार जनरल डब्बा में हम जाने वाले हैं। हमारे साथ कौन कौन आया हुआ है? चिन आया हुआ है और जोगिंदर चाचा बैठे हुए हैं यहाँ पे और सुलेंदर चाचा यहाँ बैठे हुए हैं। ये है रायबरेली जंक्शन, ये है रायबरेली भाई जंक्शन। रायबरेली भाई काफ़ी सुधार आ रहा है, देखो लिफ्ट वगैरह लग रही है यात्री के लिए, यार काफ़ी सुविधा हो रही है हमारे रायबरेली में। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ट्रेन आ जाती है उसके बाद चलते हैं, आधा घंटा बाकी है तो इधर घूम घूम लेते हैं, तो फिर उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे तो यार पता नहीं कहाँ रुकेंगे। तो हालांकि चलते हैं अभी चाचा के पास, रहा जो मोमेंट है काफ़ी शानदार लग रहा है, तो चलो आ जाती ट्रेन उसके बाद चलते हैं। भाई हमारे ऊपर आदमी ही आदमी है भाई, बैठ किस तरह वीडियो बना रहे हैं। तो फिलहाल कहीं से बैठ चुके हैं ट्रेन में एंड इतनी भीड़ है कि पूछो ना यार, पहली बार यार यात्रा कर रहे हैं जनरल में, वो भी इतनी भीड़ है कि भाई हम जमीन में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं भाई हमारे ऊपर आदमी ही आदमी है भाई, बैठ किस तरह वीडियो बना रहे हैं। तो भाई सब लोग खड़े हुए हैं, इधर चाचा खड़ा हुआ है, इधर सचिन खड़े हुए हैं, फिलहाल पूरा भाई भीड़ भीड़ है, ऊपर से नीचे तक सब भाई सब बैठे हुए हैं। देखो यार, देखो सब अच्छी तरह से बैठे हुए हैं एंड हम ही भाई गलत तरह से बैठे हुए हैं, क्या बताएं यार, पूरा पैसा डाण है। जाने यार चलेंगे लखनऊ में, चेंज वगैरह करेंगे ट्रेन, तो जैसा होगा आप लोग को हम बताते रहेंगे, वीडियो में अपडेट देते रहेंगे। और ट्रेन हमारी निकल चुकी है रायबरेली से नंबर 15127। अभी मौसम है भाई, बारिश का हो चुका है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी किसी तरह भाई मरते मरते। देखो कितना ज़्यादा वाला भाई भीड़ है, देखो चाची देखो इधर खड़े हुए हैं, ये देखो कहाँ हाल है चाचा, बढ़िया है। ये आगे पूरा भाई भीड़ ही भीड़ है, ऊपर से लेके नीचे तक भाई सब लोग बैठे हुए हैं एंड इधर भी देखो भाई पूरा सब यात्री लोग बैठे हुए हैं, ऊपर भी बैठा हुआ है नीचे भी बैठा हुआ भाई, गेट के सामने भी खड़े हुए हैं। चल गए सभी, हम पहुंचे हुए हैं भाई लखनऊ, तगड़ी वाली भीड़ है। फिलहाल अभी ट्रेन चलने वाली है और हमारे भाई नीचे पानी ले जाने के लिए, तो यार समझ में नहीं यार अंदर कैसे लेके जाए, देखो कितनी तगड़ी वाली भीड़ है, कम हो रही। देखो भैया लोग भाई कितना भीड़ लगा के रखे हैं यार, क्या बताएं, उधर चाचा लोग बैठे हुए हैं। भैया तनिक जाने दो यार, भैया भैया आगे थोड़ा, तगड़ा वाला भाई भीड़ है, जाने बिल्कुल भी भाई मन नहीं अंदर, जाना पड़ेगा, चाचा लोग अंदर बैठे हुए हैं। जाने वाले भैया दिल्ली, चलो सब लोग दिल, ट्रेन यार दिल्ली तक का जाइए यार, ये देखो भैया दिल्ली जाने वाले हैं, जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक जाएंगे। चलो यार चलो हम ही चल रहे हैं जहाँ तक ट्रेन जाएगी, ट्रेन स्टॉप हमारा भी है। चलो भाई, चलो भाई जाने दो, आ गया जा। किसी तरह तो आ चुके अपने सीट पे यार, बड़े मेहनत के बाद ये सीट मिली हुई है, वो भी ऊपर वाली यार। और अभी पानी वानी ले आए भाई, चल रहे खाना खाने और अभी पहुंचे हुए लखनऊ, यहाँ से भी 8:20 में यहाँ से निकलने वाली है ट्रेन। अभी भाई क्या बताएं यार, गरीबी कुछ भी करवा सकती है, देखो भैया लोग यार सब लोग बैठे हुए हैं, क्या बताएं कितना तगड़ा वाला भीड़ है यार, कुछ भी हो सकता है यार, क्या बताएं आप लोग। ट्रिप करना है जनरल में, नहीं तो हम भाई टिकट करवा के आते थे, चाचा लोग कहते कि चलो कि जनरल का मजा लेते हैं इसी वजह से आए हुए, नहीं तो हम टिकट करवा के आते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, एक सीख मिलती है आगे बढ़ने के लिए। कल से नहीं यार, दूसरा है भाई, चल ये वाली है। अरे यार कंफ्यूजन में देखो अभी हो चुका है ऊपर, यार ये वाली ट्रेन चल रही है, हम बगल वाला देख रहे हैं कि बगल वाला चल रहे यार, क्या बताया यार, बुद्धि खत्म हो चुकी है इतना भीड़ भीड़ देख के। तो चलो खाना पीना खाते हैं, ट्रेन भाई स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद इंजॉय करते हैं यार, सोते होते हैं किसी तरह अपना एडजस्ट करके। चल
तो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है न्यू दिल्ली में। एंड हमारा भी भाई स्वागत है क्योंकि काफ़ी दिन के बाद दिल्ली आए हुए हैं, तो जो यहाँ का मौसम है काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अभी सुबह के बाद चुके हैं 6:30 भाई रेलवे स्टेशन के बाहर। फिलहाल देख सकते हैं ये भाई रेलवे स्टेशन है, पूरा रेलवे स्टेशन एंड इधर पूरा रेलवे स्टेशन है और ये भाई टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर टैक्सी वगैरह आप ले सकते हैं। भाई सबके साथ चल रहे हैं क्या, यहाँ पे चाचा लोग जा रहे हैं ना, वहाँ पे जा रहे हैं और वहीं चल के बढ़िया देखते हैं किस चीज़ से हमें जाना है। चाचा जी जिस चीज़ से जाएंगे उसी से हम भी जाएंगे और अभी चलते हैं यार। थोड़ा हम एक दो बार आए हुए हैं ना तो उतना नॉलेज नहीं है, तो लाल हो जाएगा धीरे धीरे। लटरी टैंक खड़ा हुआ है, ये लटरी टैंक यहाँ पर खड़ा हुआ है और स्वागत है आपका दिल्ली में। तो आप में तो भाई दिल्ली का व्लॉग आएगा तो आप लोग भाई पूरा पूरा व्लॉग देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग बनने वाला है आपका। एग्जिट द्वार दो पे आ चुके हैं, पूरा मिलिट्री टैंक खड़ा हुआ है, लगभग 5-6 मिलिट्री टैंक। अभी रात के 9:15 हो चुके हैं। हालांकि गाइस जैसे आप लोग को पता है कि भाई हम आ चुके हैं दिल्ली और अभी रात के 9:15 हो चुके हैं। सब लोग काम से आने वाले हैं तो आज सारा दिन हम सोए हुए हैं क्योंकि सारी रात के ये जर्नी खड़े खड़े लेटे लेटे पौड़े पौड़े उंगात उंगात सब तरह से। और अभी आटा वाटा गूंद के भाई रोटी वोटी भाई पका रहे हैं। इधर देखो अभी चावल पक रहा है एंड आटा गूंद के यहाँ पर रख दिए हैं। देखो भाई कितना छोटा वाला सिलेंडर है, चूल्हा भाई बड़ा वाला है। यहाँ पे गर्मी बहुत तगड़ी वाली है, देखो पसीना पसीना पूरा उड़ चुके हैं। छोटा वाला फैन लगा है, खाना बन रहा है, इसलिए पंखा नहीं चला रखे हैं। अब आएगी भाई दिल्ली की वीडियो, तो दिल्ली की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब लोग काम पर से आ जाते हैं रूम पे तो खाना पीना बनाते हैं और ये वीडियो ही पेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।